अरे दोस्तों, मैं फनगौर, आज मैं आपको बताऊंगी जब लड़की आपको ये इशारे करे तब आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सिखा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि प्रपोज करें या ना करें, प्रपोज करने पर वो कैसा रिएक्ट करेगी, आपको एक्सेप्ट करेगी, आपको ना कर देगी, तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे है। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे इशारे बताऊंगी जिससे आप समझ सकते हो कि अब आप उसे प्रपोज कर सकते हो और वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला साइन, अगर वो हंसते हुए सिर्फ आपको देखना पसंद करती है तो इट मीन्स कि हाँ, वो आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि जब कोई इंसान हंसते हुए हमारी आंखों में देखना पसंद करता है, ग्रुप में बेशक और भी लोग हैं लेकिन वो उनको नहीं देखती है, वो सिर्फ आपसे नजरें मिलाती है, आपके आपके साथ आई कांटेक्ट करती है, तो इट मीन्स कि वो आप में इंटरेस्टेड है। और ऐसा वो इसलिए कर रही है ताकि वो ये देख सके कि वो बात आपको कैसी लगे, ठीक है, आपको समझने के लिए, आपके एक्सप्रेशन को रीड करने के लिए कि आप जब आपको जब कोई बात अच्छी लगती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो अगर लड़की ऐसा कर रही है तो इट मीन्स कि हाँ, वो आप में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा दूसरा साइन दोस्तों, देखो कहते हैं कि चुड़ैलों के पैर ना उल्टे होते हैं, मतलब जो उंगलियां वगैरह होती है वो उल्टी साइड में होती हैं, लेकिन अगर एक लड़की आप में इंटरेस्टेड होती है तो वो उसके पैर उल्टी साइड नहीं होंगे, ना इधर उधर नहीं रहेगी, भागने की उसे जल्दी नहीं रहेगी, वो उसके जो पैर हैं उंगलियां वो आपके साइड होगी, आपकी तरफ पॉइंटेड करके वो आपसे बात करना पसंद करेगी, आपके साथ खड़ी होगी या बैठेगी भी ना तो उसके पैरों का जो साइड है फ्रंट साइड वो आपके साइड होगा। तो इससे भी आप समझ सकते हो, ये बॉडी लैंग्वेज का एक ऐसा साइन है जिससे आप श्योर हो सकते हो कि उसके दिल में भी आपके लिए कहीं ना कहीं जगह है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अनकॉन्शियसली जाने अनजाने में उस इंसान को ये साइन देती है कि ये हम अब तुम्हें पसंद करने लगे हैं, तुम्हें इंटरेस्टेड हैं। तो इसको आप नोटिस करके समझ सकते हो कि लड़की भी आप में इंटरेस्ट लेने लगी है। इसके अलावा अगला साइन कि जब वो अपने कॉमन दोस्तों के साथ, कॉमन मतलब कि ऐसे दोस्त जो आपको भी जानते हो और उसको भी जानते हो, अपने कॉमन दोस्तों से आपके बारे में बातचीत करना पसंद करें, आपके कुछ पोस्ट वगैरह बताएं या सोशल मीडिया पे आपकी आपने कोई फोटो वगैरह डाल रखी हो उसके बारे में बात करें, आपके बारे में बात करना पसंद करें, ठीक। और ये चीज़ आपको उस कॉमन फ्रेंड से पता चले कि वो लड़की आपके बारे में बात कर रही थी, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आप उसे प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि लड़कियां जब किसी से बात करती हैं तो वो हमेशा अपने बारे में बात करती हैं, ना कि किसी और पर्सन के, ठीक। इसके अलावा अगला साइन है कि जब लड़की आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन बनाने की कोशिश करे, मतलब कि एक तरह से इमोशनल वाली बातें करे या बहुत गहरी गहरी बातें करे, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें करने की कोशिश करे या ऐसी बातें आपको बताएं जिससे आप कहीं ना कहीं उसके साथ में कनेक्टेड फील करो, ठीक है, आपको उसको आपसे आपको उससे बात करते से ना ऐसा लगे कि वो आपको अपना समझती है और इसलिए ऐसी बातें बता रही है, तो आप समझ सकते हो कि आप लड़की को प्रपोज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो साइन है कि जब एक लड़की किसी लड़के को पसंद करने लगती है तो उस टाइम उस लड़के को खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगती है, मतलब वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में उस लड़के की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो इसे भी आप समझ सकते हो कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है और आपको पता कैसे लगेगा कि वो आपको प्रायोरिटी दे रही है या प्रायोरिटी पर्सन समझ रही है। जैसे कि अगर वो कोई काम करने जा रही है तो आपकी राय जानना वो ज़रूरी समझेगी, ठीक है, कुछ भी काम कर रही है आपका ओपिनियन लेना, सजेशन लेना वो ज़रूर एक तरह से उस चीज़ को अहमियत देगी। तो इससे आप श्योर हो सकते हो कि आप लड़की को प्रपोज कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।